नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनता दल सेकुलर के नेता की बात कर रहा हूं, और जब जनता दल सेकुलर का नाम सामने निकल कर आता है तो एक नाम बहुत अच्छे तरीके से जहन में आता है, उनका नाम है HD कुमारस्वामी। HD कुमारस्वामी ने यह कहा है कि जब से कांग्रेस में गए हैं उनका पूरा राजनीतिक करियर जो है वो चौपट हो चुका है, बीजेपी में रहते तो भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो जाता, और ज्यादा सपोर्ट मिलता, आज अच्छी जगह पर कार्यरत होते, लेकिन कांग्रेस से क्या हाथ मिलाया, पूरा का पूरा करियर चौपट हो चुका है। यह हम नहीं कह रहे, पहले ही आपको बता रहे हैं, ये खुद HD कुमारस्वामी ने कहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। उन्होंने सबसे पहले यह बात कही है कि मैंने 2006-2007 में और 12 साल की अवधि में जो कुछ हासिल किया था उसे मैंने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके खत्म कर दिया, यानी एक अलायंस ने पूरे करियर को बर्बाद कर दिया, ये उनका कहना था। और उन्होंने लगभग आज से 14 साल पहले गए, 2006-07 का जिक्र उन्होंने किया है अपनी बातों में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2018 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद सिद्धारमैया और उनके गुट ने मेरी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया, मैं सिर्फ उनके जाल में फंसता चला गया क्योंकि मैं देवगौड़ा के कारण गठबंधन के लिए सहमत था। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए वो देवगौड़ा को दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष पहचान के प्रति अपने पिता की आजीवन प्रतिबद्धता को समझते और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच जिस तरह से कांग्रेस ने उनकी छवि को धूमिल किया, कांग्रेस ने जिस तरह से एक तरह से उनके करियर को चौपट किया, उस बात का जिक्र करना वो नहीं भूले। इस दौरान उनकी जुबान लरजती हुई नजर आई, ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा धोखा मिला है या फिर वो उस ओर बढ़ रहे हैं जहां उन्हें पता है कि ये रास्ता कहीं भी नहीं जाता, इसमें आगे चलकर एक डेड एंड होगा मेरे करियर पर। 14 साल लग गए उन्हें यह समझने में कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस पार्टी का साथ समझकर चल रहे हैं, जिसमें भले ही अलग अलग मजबूरियां हों, राजनीति जो है वो मजबूरियों का नाम भी है एक तरह से, लेकिन करियर चौपट हो जाए ऐसी भी क्या मजबूरी। 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सिर्फ एक महीने तब आंसू क्यों बहाए, मुझे पता था कि क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 2008 से मेरा उतना नुकसान नहीं किया जितना कांग्रेस ने 2018 से कर दिया। ये सारी बातें जो है ये बताने के लिए काफी है कि कुमार स्वामी इस वक्त पे कितने ज्यादा परेशान हैं और कांग्रेस ने उन्हें कितना परेशान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।